में मेगा स्टार सलमान खान इकलौते ऐसे एक्टर हैं जिनके ऊपर हर लुक हर किरदार जबरदस्त तरीके से सूट करता है। फिर चाहे वो एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है का टाइगर हो, या किक का डेविल हो, या फिर प्रेम रतन धनपायो का प्रेम, या कहो तेरे नाम का राधे, या सुल्तान का सुल्तान अली खान, और ऐसे ही दबंग का चुलबुल पांडे। और दोस्तों आपको बता दूं, साल सन 2010 में अरबाज खान के प्रोडक्शन में बनी दबंग वो फिल्म बनी जिसने बॉलीवुड में कॉप यूनिवर्स की शुरुआत की थी। जिसके बाद साल सन 2011 में रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी सिंघम आई, उसे भी फैंस ने बहुत प्यार दिया। और इसमें भी कोई शक की बात नहीं है दोस्तों, सिंघम और चुलबुल पांडे दोनों को ही एक साथ देखने के लिए फैंस कई सालों से इंतजार कर रहे हैं। और दोस्तों जैसा कि काफी टाइम से खबरें भी आ रही थी कि चुलबुल पांडे और सिंघम एक साथ मिलकर कॉप यूनिवर्स में धमाल मचाने वाले हैं, यानी कि ये दोनों एक साथ नजर आने वाले हैं। और जैसा कि अब सिंघम 3 की शूटिंग चालू हो चुकी है, तो वही खबरें आ रही है कि दबंग 4 की भी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। और जैसा कि रोहित शेट्टी अपने इंटरव्यू में बोल ही चुके हैं कि सिंघम और चुलबुल पांडे एक साथ नजर आने वाले हैं, तो ये तो ऑलमोस्ट कन्फर्म हो ही चुका है। और दोस्तों खबरें यहाँ तक है कि जैसे पठान में टाइगर का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला था, वैसा ही कुछ सिंघम और चुलबुल पांडे का भी एक्शन देखने को मिलने वाला है। और बात करें फिल्म की रिलीजिंग की, तो आपको बता दूं सिंघम 3 2024 के मिड में रिलीज होने वाली है, जिसमें सलमान खान यानी चुलबुल पांडे का कैमियो देखने को मिलने वाला है। और उसके बाद दबंग 4 की भी अनाउंसमेंट पक्के होने वाली है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी, सिंघम और सूर्यवंशी के साथ चुलबुल पांडे देखने को मिलते हैं तो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर क्या कुछ धमाल होने वाला है। बाकी दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें,